आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं? सच कह रहा हूँ मैं। आप इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हैं? और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरी और फरी की शादी से आप और डैड का क्या ताल्लुक बनता है। तुम इस मोहब्बत में इतने अंधे हो चुके हो कि तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा। जब से परवीन और उसकी बेटियां दानिश की जिंदगी में आई हैं, तब से सारा ध्यान उसका उन पर चला गया है। वो हमारा ख्याल ही नहीं रख रहा। अम्मी, मुझे आपकी तबीयत पूछने के लिए आना ही था। मैंने मीना से कहा भी था कि मैं शाम को वापसी पर चक्कर लगाऊंगा, लेकिन जैसी फरी की तबीयत का पता चला तो मैं फौरन चला आया। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम भी तो अब हमारे अपने ही हो ना। अम्मी, अपना भी कह रही हैं और शुक्रिया भी अदा कर रही हैं। अगर मेरी जगह यूं मीना भागी हुई आती तो आप उसका शुक्रिया अदा करती? नहीं करती ना। बिल्कुल इसी तरह मेरा भी शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है। फड़ी, अब कैसा महसूस कर रही हो तुम? चुपकी, अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। अम्मी, आपकी तबीयत कैसी है? मीना आपकी तबीयत की वजह से बहुत परेशान हो गई थी। बेटा, अब अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। मैंने तो इस चुपकी को डांटा भी था कि तुम लोगों को फोन करके बिला वजह इसने परेशान किया है। अम्मी, फिर वही परायों वाली बात है। अगर आपने फिर कोई ऐसी बात की तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, अच्छा ठीक है, आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करूंगी। अरे नीलम बेटा, यूसुफ के लिए कुछ खाने पीने के लिए तो लाओ। जी अम्मी। यूसुफ भाई आप बैठे, मैं आपके लिए खीर बनाकर लाती हूँ। मुझे बस वही अच्छी बनाना आती है। बिल्कुल भी नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं सिर्फ अम्मी और फरी की तबीयत पूछने आया हूँ। नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो सिर्फ खीर ही नहीं, खाना भी खा कर जाऊंगा। यूसुफ भाई, लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता। ओहो, इसमें कौन सी मुश्किल बात है नीलम, मैं तुम्हारा हाथ बटा दूंगी। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। हाँ अम्मी ठीक है, फिर फरी भी मेरी हेल्प करवाएगी। इसीलिए कहती थी घर का कामकाज सीख लो। आज मेरी बात मान ली होती ना तो इस तरह मदद नहीं लेनी पड़ती तुम्हें। अच्छा अम्मी, मुझे इजाजत दीजिए। मेरे साथ चलोगी? जी मैं आपके साथ ही चलूंगी। चुपकी, मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें अम्मी और फरी का बहुत ख्याल रखना है। मीना, मैं इन सब का ख्याल रखूंगी तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? तुम्हारा ख्याल रखने के लिए ये सब है ना। थैंक यू यूसुफ भाई, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जी मैं आती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मीना। जी बेटा, तुमने यूसुफ को तो नहीं बताया कि फरी ने खुदकुशी करने की कोशिश की है? नहीं अम्मी, मैंने कहा है यूसुफ को कि फरी का हाथ किचन में काम करते हुए कट गया था। अच्छा किया बेटा, यूसुफ के सामने, वरना बड़ी शर्मिंदगी होती। अब आप फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है अम्मी, अब मैं जाऊं, यूसुफ मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, हाँ रखना। हाँ ओके, मैं जा रही हूँ, कोई भी बात करनी हो ना मुझे फोन कर लेना। ठीक है अम्मी, ठीक। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मी, आप मुझसे नाराज हैं? नीलम, इससे कहो मुझसे बात ना करे तो बेहतर होगा। ये रोमा, हम भी क्या मुझसे इतनी नाराज हैं आप कि बात तक नहीं करेंगे? हमी सही नाराज हैं आप मुझसे। मैं हूं ही आपकी नालायक बेटी, मैं आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई। मैं हमेशा कहती थी कि मुझे पढ़ना है, लिखना है, किसी बड़े ओहदे पर पहुंचना है, अपनी अम्मी का सर फख्र से बुलंद करना है। लेकिन देखे ना अम्मी, मैं आपकी लायक बेटी बनते बनते कितनी नालायक बन गई। अम्मी मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। फरीद, मेरी बच्ची, तूने ऐसा क्यों किया? अगर तुझे कुछ हो जाता तो हम सब का क्या होता? सब तो जीते जी मर जाते हैं, हम तो जीते जी मर जाते हैं। फड़ी, तुमने तो मुझे बचाया था ना, और तुम खुद ये हराम काम करने चली थी। अम्मा, मुझे लगता है ये हम सबसे बेजार आ गई थी। नहीं चुपकी, ऐसी कोई बात नहीं है अम्मी। मुझे जब पता चला कि दानियाल मेरा भाई है, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। ये बात सोच सोच के मुझे खुद से नफरत होने लगी, और मैंने... अरे बेटा, मैं तो जानती थी कि वो दानिश का सौतेला बेटा है, उसने खुद ही मुझे उस रात बताया था। मैं, अगर आप जानती थी ये बात तो आपने मुझे क्यों नहीं बताई? बेटा, मेरा ध्यान नहीं रहा, मुझे खबर नहीं थी कि तुम ऐसी हरकत कर लोगे। अम्मा, खुशी की बात तो ये कि दानियाल हमारा भाई नहीं है। इसका मतलब फड़ी और दानियाल भाई की शादी हो सकती है। नहीं बेटा, मुझे नहीं लगता कि जवेरिया फरी को अपने घर की बहू बनने देगी। अगर ऐसा होता तो वो उस दिन इस तरह उठ के नहीं चली जाती। आजो बेटा, खाना खाते हैं। आइए। मामा, पापा अभी तक नहीं आए क्या? वो आज हमारे साथ डिनर नहीं करेंगे? आजकल मैं उनके साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही। इन सब की आदत डाल लो बेटा, अब आपको पापा के बगैर ही अक्सर डिनर करना पड़ेगा, कि अब आपके पापा को हमारे साथ में मीना आंटी के साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा अच्छा लगता है। तो ठीक है ना, मीना आंटी भी हमारे साथ खाना खाएंगी और पापा भी। क्यों, कैसा आइडिया है मामा? इस तरह पापा हमारे साथ भी टाइम स्पेंड कर लेंगे और मीना आंटी के साथ भी। साबरा, साबरा आई। बेगम साहिबा। जी जी बेगम साहब। जल्दी से यूसुफ को बुला कर ला और उनसे कहें कि मरियम उनके बगैर खाना नहीं खा रही, जल्दी से। जी ठीक है बेटा। साबरा भी आप रहने दें, मैं खुद जाके पापा को बुलाती हूँ। नहीं बेटा, हो सकता है आपके पापा बिजी हों और आप उन्हें डिस्टर्ब कर दें। मैं ऐसा करती हूँ कि साबरा को भी नहीं भिजवाती, मैं उन्हें फोन पे मैसेज कर देती हूँ, अगर वो फ्री होंगे तो खुद ही आ जाएंगे। साबरा, तुम जाकर खाना खा लो और शेर खान को भी भिजवा देना। जी ठीक है बेगम साहब। और सुनो, शेर खान को और उसके बच्चों को खाना ज्यादा भिजवाना। यूसुफ को आजकल उनका बहुत ख्याल है, अगर शेर खान ने कंप्लेन कर दी तो खामखा में तुम्हारी क्लास हो जाएगी। जी बेहतर है बेगम साहब। मामा मैसेज करें ना? ओह हाँ बेटा, अभी कर रही हूँ। आप यकीन करें यूसुफ, जिस तरह का प्यार, एहतराम और खुलूस आप मेरे घर वालों के साथ दिखाते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है मुझे। आप बहुत अहमियत देते हैं मेरे घर वालों को। तुम मेरी हो तो तुमसे जुड़े सब रिश्ते भी तो मेरे ही हुए ना, और मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूँ मैं हमेशा अपनों के लिए तरसा हूँ। और अब इतने सालों के बाद अगर मुझे अपने मिले हैं तो मैं उन्हें कभी भी दूर नहीं जाने दूंगा। क्या बात है मीना, तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुम अनकंफर्टेबल लग रही हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वैसे ही। क्या हुआ? नजमा का मैसेज है। मरियम और नजमा हमारा खाने पे इंतजार कर रही है, खाना लग चुका है, चलो चलकर खाना खाते हैं। आप जाकर खा लीजिए यूसुफ, नजमा मुझे देखेंगी तो ऐसा ना हो कि गुस्सा करने लग जाए। नहीं होती गुस्सा, और मरियम भी तो हमारा वहाँ इंतजार कर रही है। यूसुफ मुझे वैसे भी बिल्कुल भूख नहीं है, तबीयत भी कुछ बोझल सी महसूस हो रही है, आप जाकर खा लीजिए। क्या बात है मीना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हारी तबीयत का पूछा तो तुमने बोला कि कोई ऐसी बात नहीं है, और अब कह रही हो कि तुम्हारी तबीयत बोझल बोझल सी हो रही है। बताओ। कोई बात नहीं है। तुम ना जाने के बहाने कर रही हो, है ना? यूसुफ, मैं क्यों बहाना करूंगी, ये मेरा भी तो घर है, बस डिनर करने का मूड नहीं है मेरा। ठीक है, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अरे अच्छा, चलिए चल के डिनर करते हैं। चलो। दिल तो चाह रहा है कि अभी और इसी वक्त उसे यहाँ से निकाल कर चलता करूं, लेकिन उसने यूसुफ को ऐसे काबू किया है कि मेरा ऐसे करने से वो मुझसे नाराज हो जाएगा, और मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती। ये तो मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ कि ये घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, इसे निकालने के लिए मुझे उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। मुझे भी यूसुफ को काबू करने के लिए उसके साथ अच्छा रवैया दिखाने का नाटक करना होगा। मीना, कैसी तबीयत है तुम्हारी बहन की? काफी बेहतर है। अब बातें बाद में, मुझे बहुत भूख लग रही है, अब खाना शुरू करें प्लीज। बिल्कुल ठीक कहा आपने, पहले खाना फिर बातें। जी पानी पियो। मीना, मीना, यूसुफ कहाँ जा रहे हो? खाना तो खा लो। नजमा कैसी बातें कर रही है, उसकी तबीयत खराब है, मैं कैसे खाना खा सकता हूँ? पहले वो कह रही थी कि उसकी तबीयत बोझल बोझल सी हो रही है। तबीयत बोझल बोझल हो रही है। आज तो मैं लड़की वालों को मना करके आ गई हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। और मैं भी आपको एक बात बता दूं कि मैं अपना हमसफर फरीद को बनाऊंगा। मीना, मीना, मीना तुम ठीक तो हो ना? मीना। जी जी आ रही हूँ। तुम्हें तो बहुत ज्यादा वॉमिट आई है। अपनी अम्मी के घर पे क्या खाया था? दोपहर का खाना ही खाया था। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ज्यादा गर्मी होने की वजह से इस तरह हो जाता है। मैं एक काम करता हूँ कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। आप इतनी सी बात पर मुझे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे? इतना क्यों परेशान हो रहे हैं यूसुफ? स्टमक अपसेट हो गया है मेरा, रेस्ट करूंगी, ठीक हो जाएगा। तो तुमने दोपहर के खाने के बाद क्या खाया था? नहीं। इसका मतलब है बात कुछ और है। तुमने एक ही निवाला खाया और तुम्हें वॉमिटिंग हो गई, और दोपहर के खाने के बाद भी तुमने कुछ नहीं खाया। इसका मतलब है स्टमक अपसेट नहीं हुआ तुम्हारा। यूसुफ आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप इतनी जिद क्यों कर रहे हैं। देखो मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं डॉक्टर मुनीर को घर पे बुला लेता हूँ। क्या हुआ यूसुफ, आप रुक क्यों गए? मैं एक काम करता हूँ कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ही ले चलता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा प्रॉपर चेकअप करवा सकूँ। देखो इस पे बहस मत करना मेरे साथ, हाँ? मैं नीचे जाके नजमा को बता रहा हूँ, तुम जल्दी से रेडी होके आ जाओ। अच्छा चले ठीक है, जरा मैं अपना होलिया दुरुस्त कर लूँ फिर आती हूँ। ओके जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मामा आप खाना नहीं खा रहे? बेटा आप खाइए, मेरा दिल नहीं चाह रहा। मामा क्या मैं अकेले खाना खाऊं? तो फिर ठीक है, मैं भी नहीं खाती। पहले मीना आंटी चली गई, फिर बाबा, और अब आप। अच्छा आप खाइए, मैं भी खा रही। आ गए पापा, आए ना पापा, खाना साथ खाने में मजा आता है। बेटा आप खाना शुरू करो। क्या हुआ मीना को? इसको वॉमिटिंग हुई है। यूसुफ चले? बेटा आप खाना खाओ, मैं आंटी को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ, बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। ओके चले। मेरा तुम सोच नहीं सकती कि आज तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। सच यूसुफ, इतना खुश आपको पहली बार देख रही हूँ। आपके चेहरे में ना एक अजीब सी खुशी की चमक है। बिल्कुल, और होनी भी चाहिए। आज कितने सालों के बाद मुझे वो बात सुनने को मिली जो मेरे कान सुनने के लिए तरस गए थे। बिना तुम सोच नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई थी जब डॉक्टर ने मुझे आके बताया कि मैं बाप बनने वाला हूँ। वैसे तुम्हें डॉक्टर ने नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब की दी है? नेक्स्ट मंथ ही बुलाया है, दोबारा चेकअप करेंगे वो मेरा। वैसे मेरी दिली ख्वाहिश है कि हमारे यहाँ बेटा हो। इंशाल्लाह बेटा ही होगा, लेकिन बेटे की जगह अगर बेटी होगी तो? कोई बात नहीं, हमारे घर में एक और प्रिंसेस आ जाएगी। तो फिर आपको बेटी की इतनी ख्वाहिश क्यों हुई थी? मीना, इंसान को हमेशा उसी चीज की चाह होती है जो उसके पास नहीं होता। मगर मेरे रब ने मुझे एक बहुत ही प्यारी बेटी से नवाजा है, जिसे मैं जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। जानती हूँ, और मरियम भी अपने पापा पे पूरी जान छिड़कती है। बिल्कुल ठीक कहा है तुम, बहुत प्यार करती है वो। सर क्या हुआ, आप इतने चुप क्यों हो गए, क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ इतनी बड़ी खुशखबरी है तो घर के लिए भी मिठाई ले लेती हूँ। बिल्कुल ठीक है, आपका जैसा दिल करे वैसा करें। आज मैं आपको कुछ भी करने से नहीं रोकूं, सारी ख्वाहिशें पूरी करें अपनी। थैंक यू सो मच मीना कि तुमने मुझे फिर से ये सब महसूस करवाया। तुम जानते हो मीना कि जब डॉक्टर ने मुझे आगे बताया कि नजमा दोबारा कभी मां नहीं बन सकती तो मैं अंदर से टूट गया था, लेकिन नजमा की कंडीशन ऐसी थी कि मैं अपना गम भुला के उसे संभालने में लग गया था। तब मुझे एहसास हुआ कि मर्द को कितना जब्त करना पड़ता है, उससे यही उम्मीद की जाती है कि वो सब कुछ संभाल लेगा, लेकिन कभी उसे भी संभलने की जरूरत पड़ सकती है। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन यूसुफ हम पुरानी बातें क्यों दोहरा रहे हैं? आज बहुत बड़ा दिन है, खुशी का दिन है, हम वो सेलिब्रेट करें। आप मुझे ये बताएं मिठाई कहाँ से लेंगे आप? ये आगे एक मशहूर मिठाई की दुकान है, वहाँ से लेते हैं। कम ऑन फरीद, फोन उठाओ यार। मम्मी, मैं आपको यही तो कहना चाह रही थी। क्या शिकन मैंने आपके कहने पे काम कर तो लिया था सारा, अब भी आपको मुझसे शिकायत है मम्मी? आप फरी, तुम देख रही हो ना कि मैं स्क्रिप्ट याद कर रही हूँ। तुम्हारा फोन मुसलसल बज रहा है, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ यार। किसका फोन है, क्यों नहीं उठा रही हो तुम? दानियाल का फोन है। तो रिसीव क्यों नहीं कर रही तुम? मुझे उससे बात नहीं करनी। लेकिन अब तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है ना, फिर क्या मसला है? कुछ भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है नीलम, हल्की किस्मत के धागे मजीद उलझ गए। सच पूछो तो मुझे वो सुलझते हुए नजर भी नहीं आ रहे, इसलिए मैं मजीद कोशिश ही नहीं करना चाहती। एक तो तुम मोहब्बत करने वालों की मोहब्बत दो पल में हवा क्यों हो जाती है? क्या ऐसी होती है खोखली और बेमायने मोहब्बत? नीलम, तुम क्या कहना चाहती हो? मतलब ये कि एक तरफ सलमान मुझसे मोहब्बत के दावे करता था, लेकिन जब मैंने उससे बताया कि मैं फिल्मों और ड्रामों में काम करना चाहती हूँ तो उसकी मोहब्बत फुर से उड़ गई। और दूसरी तरफ तुम, जिसने दानियाल से मोहब्बत के दावे किए थे, लेकिन छोटी मोटी परेशानियाँ आने पर तुमने पीछे हटने का फैसला कर लिया। क्या ऐसी होती है सच्ची मोहब्बत? मैं ऐसे मोहब्बत नहीं मानती। तुमने और दानियाल ने दिल लगी की थी, मोहब्बत नहीं, क्योंकि मोहब्बत में तो बहुत से इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। मोहब्बत तो बहुत सी कुर्बानियाँ मांगती है। तुम्हें पता है फरी, अभी कुछ दिन पहले मैं अपनी शूटिंग पर थी, मैंने वहाँ एक सीन किया था, उसमें एक शेर था कि ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। रुको फरी, मैं खुद बात करती हूँ दानियाल से। हेलो हेलो फरी, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी यार? मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ तुम्हें। मैं फरी नहीं, नीलम बात कर रही हूँ। ओह ओह सॉरी, आई थॉट कि फरी होगी। कहो क्या बात है? वो एक्चुअली मैंने फरी की तबीयत पूछने के लिए फोन किया था। डैड बता रहे थे कि फरी ने सुसाइड। हाँ, तुम्हारे डैड ने तुम्हें बिल्कुल सही खबर दी थी, लेकिन अब फरी बिल्कुल ठीक है। ये खबर नहीं थी तुम्हारे डैड ने तुम्हें? नीलम प्लीज मेरी फरी से बात करा दो। अच्छा ठीक है, एक मिनट होल्ड करो। ये लो, अब बात करो उससे। पीछा क्यों छुड़वा रही हो अपना? और वैसे भी वो सिर्फ तुम्हारी तबीयत जानना चाहता है। हेलो। क्या बात है फरीद, तुम मुझसे नाराज क्यों हो? कुछ तो बोलो। तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि इन सब में मेरा क्या कसूर है? तुम मुझे किस बात की सजा दे रही हो? सजा तो मैं भुगत रही हूँ दानियाल, तुम्हारे डैड की बेटी होने की। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस सजा को अकेले भुगत रही हो? इस सजा में मैं तुम्हारे साथ शामिल हूँ। और फरीद, अगर तुमने मरना ही था तो मुझे बता दिया होता, हम साथ। तुम मेरे बेटे का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती हो? अभी तो दिल चाह रहा है कि तुम्हारे घर आकर ऐसी खरी खरी सुनाऊं कि तुम दानी से मिलने की हिम्मत ना कर सको। आंटी मैं चुप करो, मैं तुम्हारी किसी भी बात में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और मेरी बात तो सुने। ठीक कह रही हूँ मैं। और आपने ये क्या किया? किस तरह से बात की उससे? मैंने कॉल की थी, उसने नहीं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता दानी, कॉल तुमने की थी या उसने। मैं तुम्हारा रिलेशनशिप फरी से खत्म करना चाहती हूँ। आज तो मैं लड़की वालों को मना करके आ गई हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। मॉम, मैं भी आपको एक बात बता दूं कि मैं अपना हमसफर फरी को बनाऊंगा। मतलब है कि दानियाल वहाँ अपनी मोहब्बत के लिए लड़ रहा है, इसीलिए जवेरिया बेगम का रिएक्शन इतना स्ट्रॉन्ग आया है। यानी तुम्हारी और दानियाल की शादी जरूर होगी। क्या अब क्यों रो रही हो फरी? यकीनन तुम्हें दानियाल ने तो ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा होगा। नहीं नीलम, मुझे दानियाल ने ऐसा कुछ नहीं कहा। फिर क्यों रो रही हो तुम? अब तुम्हें कौन सी नई वजह मिल गई रोने की? और किसने दिए? बस वैसे ही मेरा दिल करा रोने का, इसलिए रो रही हूं। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम मुझसे? कोई बेवजह रोता है क्या? यकीनन कोई बात है जो तुम मुझे बताना नहीं चाह रही, और इसका ताल्लुक दानियाल से ही है। ठीक है, मत बताओ। मैं अभी जाके दानियाल को फोन करती हूँ और उससे पूछती हूँ खुद। नीलम प्लीज, दानियाल की कोई गलती नहीं है। मामा क्या बात है, अब बैठ क्यों नहीं रही? बेटा आप चुपचाप टीवी देखो। क्या बात है, सब खैरियत तो है? कैसी तबीयत है तुम्हारी? बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। नजमा, पहले तुम अपना मुंह मीठा करो। ये किस खुशी में? नहीं पापा, मैं खाऊंगी मिठाई। अरे क्यों नहीं, सबसे पहले हमारी प्रिंसेस मुंह मीठा करेगी। मुझे कोई बताएगा कि ये मिठाई किस खुशी में बांटी जा रही? नजमा, मरियम के साथ खेलने के लिए कोई आने वाला है। मैं जरा आराम कर लूं, थकन महसूस हो रही है। हाँ, तुम जाके आराम करो, मैं तुम्हारी मेडिसिन लाके देता हूँ, खुद खिलाता हूँ तुम्हें। ओके जी, ठीक है। इतने परेशान क्यों हो रहे? इतनी छोटी बच्ची तो नहीं है कि मेडिसिन भी ना खा सके। क्या हो गया तुम्हें नजमा? तुम शायद भूल रही हो, जब मरियम होने वाली थी मैंने तुम्हारा भी बहुत ख्याल रखा था। याद, मुझे याद है वो जरा तुम्हें याद हो के ना याद हो, तुम फिक्र मत करो, बहुत ख्याल रखूंगी मैं इसको। और हाँ, एक चीज का खास ख्याल रखना, मीना को किसी भी किस्म की टेंशन नहीं होनी चाहिए, उसके लिए ठीक नहीं होगा। तुम फिक्र मत करो, ये सिर्फ मीना का बच्चा थोड़ी है, मेरा भी तो बच्चा है ना, आखिर को है तो तुम्हारा ही खून। क्यों नहीं, तुम उसकी बड़ी मामा होगी, इसलिए तुम्हारा हक ज्यादा होगा। अच्छा तुम अपना मुंह मीठा करो, मैं भी आता हूँ। खबरदार जो एक लफ्ज़ मुंह से निकाला था। बस कर दो फरी, ये तो मैं भी जानती हूँ कि उसने तुमसे ऐसी वैसी कोई बात नहीं की है, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? जब दानियल मुझसे फोन पे बात करते तो जवेरिया आंटी ने उसका फोन ले लिया था और उन्होंने मुझे खूब बातें सुनाई। पता चल गया तुम्हें, खुश हो गई तुम? मुझे क्या पता था कि उसकी अम्मी फोन छीन लेंगी उससे। जवेरिया आंटी ने मुझसे कहा कि मैं दानियाल का पीछा छोड़ दूं। अच्छा, इसका मतलब है कि दानियाल वहां अपनी मोहब्बत के लिए लड़ रहा है, इसीलिए जवेरिया बेगम का रिएक्शन इतना स्ट्रांग आया है। यानी तुम्हारी और दानियाल की शादी जरूर होगी। क्या, कैसे होगी हमारी शादी नीलम? तुमने सुना नहीं जवेरिया आंटी ने क्या कहा? देखो दानियाल और तुम राजी हो ना, और तुमने सुना नहीं कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? नीलम तुम भी ना मेरी बहन, तुम हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो। अच्छा मेरी बात सुनो, अब तुम ये सब कुछ अम्मी को मत बताना जो जवेरिया बेगम ने तुमसे कहा है। एक तो पहले ही वो इतना परेशान है, दूसरा वो तुम्हारी शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगी। फिर तुम फिक्र मत करो, मैं अम्मी से कुछ नहीं कहूँगी। मीना, तुमने कुछ खाए पिए बगैर ही मेडिसिन खा ली। तुम साबरा को बोलती हो तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आती। नहीं, कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा मेरा। देखो खाली पेट दवा खाना अच्छी बात नहीं होती, और अब तो तुम्हें अपनी सेहत का ज्यादा ख्याल रखना होगा। मैं किसी भी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं बता रहा हूँ। आपको पता है मैं कैसा फील कर रही हूँ? मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कुछ भी खाया ना मुझे फौरन वॉमिट हो जाएगी। तुम्हें डॉक्टर ने कहा तो है कि ये नॉर्मल है, तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। अच्छा चलें ठीक है, मैं नहीं सोचती। ठीक है, फिर मैं साबरा से कह के तुम्हारे लिए खाना मंगवाता हूँ। अच्छा देखो, तुमने खाना नहीं खाना तो मत खाओ, फ्रूट तो खा लो, मैं तुम्हें भूखा नहीं सोने दूंगा। मैं अपने होने वाली बेबी की सेहत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। अच्छा चलें ठीक है, फ्रूट्स खा लेती हूँ। आप खुश? बहुत खुश। लेकिन मैं अपने कमरे में खाऊंगी, डाइनिंग टेबल पर नहीं जाऊंगी, मेरा नहीं दिल चाह रहा। आप यकीन करें यहाँ से उठने का भी दिल नहीं चाह रहा। अच्छा तो मैडम आपको उठने के लिए कह कौन रहा है? आप यहाँ पे आराम करें, मैं आपके लिए फ्रूट्स लेकर आता हूँ। सुनिए। यस मैम, हाउ मे आई हेल्प यू? जरा जल्दी आइएगा, सुस्त मुलाजिम मुझे पसंद नहीं है। बस मैं यूं गया और यूं आया। साबरा, साबरा। जी जी बेगम साहबा। ये मिठाई उठाकर कचरे में डालो। ये मिठाई कैसे गिरी? वो मरियम बार बार मांग रही थी तो नीचे गिर गया डब्बा। नजमा, खुशी का मौका है, खाने देती मिठाई उसे। यूसुफ तुम्हें नहीं पता, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया कि ज्यादा मीठा खाने से उसके दांतों को कीड़ा लग जाएगा, उसको दर्द शुरू हो सकता है। साहब जी क्या कहा आपने, खुशी की मिठाई? हाँ खुशी की मिठाई। नजमा तुमने बताया नहीं साबरा को? हाँ वो मेरे जहन में ही नहीं रहा। साबरा वो तुम्हारी छोटी बेगम साहिबा उम्मीद से है। सच साहब जी ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है। साहब जी इसी खुशी में मैं ये पूरा मिठाई का डब्बा अपने घर लेकर जाऊंगी, क्योंकि अल्लाह पाक ने आपको बहुत मुबारक दिन दिखाया है। बल्कि तुम ऐसा करो कि ये पैसे भी रख लो, मिठाई भी ले लेना, जो तुम्हारा दिल करे खरीद लेना। बहुत शुक्रिया साहब जी। साहब जी अल्लाह पाक आपको चांद सा बेटा दे। आमीन। साबरा एक काम करना, मीना को फ्रूट ला के दे देना, उसका खाना खाने का मूड नहीं है। मैं मीना की मेडिसिन लेकर आ रहा हूँ। जी जी साहब जी। सलमान बेटा तुमने कार्ड पर तो नाम लिख दिए हैं ना? जी अम्मी, अंदर कमरे में पड़े। चलो ठीक है, परवीन का कार्ड अलग निकाल कर रख दो। क्या जरूरत है उन्हें बुलाने की, वैसे भी मैंने उनका कार्ड नहीं बनाया। अम्मी मैं चाहता हूं कि अब हम उन लोगों से ताल्लुक ना रखें। देखो बेटा तुम मेरी इकलौती औलाद हो और ये मेरे घर की पहली और आखिरी खुशी है। मैं तो इसमें सबको शामिल करना चाहती हूँ। मैं तो पूरे मोहल्ले को बुलाऊंगी। तो बुला लीजिए ना, जिसे चाहे बुला लीजिए, उन्हें रहने दीजिए। अम्मी सच बताऊं तो मैं नीलम का सामना नहीं करना चाहता, और वैसे भी वो आपसे बदतमीजी करती है। अगर वहां पर भी बदमजगी हो गई तो? अब कोई बदमजगी नहीं होगी, और नीलम मुझसे सिर्फ इसीलिए बदतमीजी करती थी क्योंकि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी। जी ये बात तो है। और मैं तो उसे जरूर बुलाऊंगी, उसे भी तो पता चलना चाहिए मेरे बेटे को लड़कियों की कमी थोड़ी है। अच्छा ठीक है, मैं खाला का कार्ड तैयार कर देता हूँ, आप उन्हें दे दीजिएगा। अब तो खुश है ना? हाँ मैं बहुत खुश हूँ, बस एक बात और करनी थी। अब और क्या बात करनी है? सलमान बेटा मैं सोच रही थी तुम्हारा निकाह तो हो ही रहा है, क्यों ना रुखसती भी करवा ले। हमें ये कैसे हो सकता है? क्यों, तुम्हें कोई एतराज है क्या? मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन वो फरजाना खाला नहीं मानेंगी। अरे भाई वो मान जाएंगी, हमें कौन सा जहेज चाहिए। अम्मी आपको पता है आज आपने मेरे दिल की बात कर दी है, मुझे भी जहेज से सख्त नफरत है। अच्छा तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? मुझे लगा कि आप नाराज ही ना हो जाएं। बेटा जहेज तो एक लानत है, और मैं इस लानत को अपने घर क्यों लाना चाहूंगी। ठीक है अम्मी, जिसमें आप खुश हैं मैं खुश हूँ। कर लीजिए फरजाना खाला से बात। जीते रहो। अच्छा ये बताओ आज खाने में क्या खाओगे, क्या बनाओ तुम्हारे लिए? जो दिल चाहे बना लीजिए। अम्मी वो अरे बेटा जल्दी बोलो, मेरा दिल घबरा रहा है। डॉक्टर कह रहे थे कि आप नानी बनने वाली हैं। भाई आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? अपनी छोटी बहन को नहीं बताएंगे? नहीं मैं कुछ नहीं छुपा रहा। मैं क्या कर सकता हूँ, अगर वो नहीं माना तो वो आपकी बात समझता है, अगर आप उसको समझाएंगे तो वो जरूर मान जाएगा। बात तो वो आपकी भी समझता है, तभी तो आपके कहने पर वो फरीद से शादी करने पर एग्री हुआ था।